तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे हाई कोर्ट भर्ती के बारे में। आप डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी हम देने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें, चैनल पर जो भी सरकारी नौकरी है, सरकारी वैकेंसीज होती है, सरकारी योजनाएँ, उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलता रहे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे हाई कोर्ट भर्ती के बारे में। जो कि आपको कुछ सवाल पूछना हो तो पहले से आपको बता दें, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चाहिए तो आप हमें मैसेज करना, वहाँ पर पर्सनली आपको मैसेज में हम आपको सेंड कर देंगे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। साथ ही आप वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको मिलने हैं। साथ ही आपको बताएंगे आप ऑनलाइन इसमें अप्लाई कैसे करोगे, योग्यता क्या रहेगा, पोस्ट कैसे हो, कितना पोस्ट है, 10वीं 12वीं यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे, पूरी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हम देने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ पर से कर लेते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट। तो यहाँ पर गुजरात, आपको बता दें गुजरात उच्च न्यायालय भर्ती 2024 के बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए आपको बता दें ऑनलाइन आवेदन जारी है। आपको बताते चलें, योग्य और यहाँ पर इच्छुक जो इच्छा रखते हैं, योग्यता के अनुसार जो भी उम्मीदवार हैं भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तिथि आपको बता दें यहाँ पर 15 जून है। ऑनलाइन आवेदन इस वीडियो के माध्यम से आपको नीचे बताएंगे। भर्ती अभियान से गुजरात, आपको बता दें गुजरात उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश, औद्योगिक और न्यायालयों के, श्रम न्यायालयों के यहाँ के लिए यहाँ प्रतिष्ठित योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति करने के लिए 1300 यहाँ पर 18 रिक्त पदों की घोषणा की है। इस भर्ती के बारे में सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। आवेदन पत्र, ऑनलाइन आवेदन लिंक, पात्रता, रिक्त पद यहाँ पर विवरण, चरण की प्रक्रिया, पैटर्न परीक्षा के पाठ्यक्रम, पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर गुजरात उच्च न्यायालय यहाँ पर भर्ती 2024, तो जानकारी के लिए आपको बताते चले, यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग आपको बताते हैं एजेंसी NTA की भर्ती की जांच करेगी। आपको बताते हैं NTA भर्ती की यहाँ पर जांच करनी है। इस नवीनतम गुजरात उच्च न्यायालय भर्ती जो अभियान का उद्देश्य गुजरात की यहाँ पर प्रशिक्षण, आपको बताते हैं प्रतिष्ठित यहाँ पर न्यायालय पालिका यहाँ पर के भीतर पदों की भरना है, जो कि कानून क्षेत्र में एक प्रतिष्ठपूर्ण करियर के प्रदेश यहाँ पर प्रवेश द्वारा करता है। वहीं यहाँ पर हाईलाइट आपको देखना होगा, नीचे आपको बताते हैं। तो यहाँ पर गुजरात उच्च न्यायालय भर्ती 2024 के यहाँ पर मुख्यतः के मुख्य विशेषता संगठन गुजरात उच्च न्यायालय के बारे में। परीक्षा का नाम गुजरात उच्च न्यायालय भर्ती 2024 पोस्ट हैं प्रदर्शित हैं। विभिन्न प्रकार की भर्ती यहाँ पर होने वाली है। रिक्त पद यहाँ पर 1318 यहाँ पर पद है, जो कि यहाँ पर अधिसूचना है जो कि यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर आवेदन मोड यहाँ पर ऑनलाइन होने वाला है, ऑनलाइन आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आवेदन तिथि यहाँ पर 22 मई से, आपको बता दें 22 मई इसका स्टार्ट है, जबकि यहाँ पर 15 जून तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। चयन की प्रक्रिया यहाँ पर पोस्ट के अनुसार होने वाली है। NTA अधिकारी वेबसाइट यहाँ पर एग्जामिनेस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे दिखेगा गुजरात उच्च न्यायालय के अधिकारी वेबसाइट गुजरात से यहाँ पर देख सकते हैं, gujarathighcourt.in इसका आधिकारिक वेबसाइट है। उसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय अधिसूचना के बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर गुजरात उच्च न्यायालय के यहाँ पर अपन विभिन्न पदों के 1318 रिक्त पदों की यहाँ पर घोषणा अधिकारी सूचना यहाँ पर जारी की है। अधिसूचना PDF और गुजरात यहाँ पर उच्च शिक्षा न्यायालय NTA दोनों के अधिकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। दस्तावेज PDF में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा के चरण, वेतन, आवेदन कैसे करना है इसके बारे में आपको बताते हैं। परीक्षा पैटर्न आदि संबंधित विवरण आपको जानकारी इसमें शामिल किया गया है। 2024 में PDF डाउनलोड करने के लिए आपको साझा करते हैं। जैसे कि आपको बता दें इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहीं से आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको पर्सनली आपको भेज देंगे। किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर चाहते हो तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप खुद स्वयं इस PDF को डाउनलोड करके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका भी लिंक मिलने वाला है आपको। उसके बाद यहाँ पर गुजरात उच्च न्यायालय भर्ती की महत्वपूर्ण तिथियाँ, जैसे कि आपको यहाँ पर पहले से बता चुके हैं, तो यहाँ पर 22 मई से शुरू हो चुका है, जबकि 15 जून तक इसका यहाँ पर अपडेट जो कि है वो चलने वाली है। लास्ट डेट 15 जून तक यहाँ पर होने वाली है। जैसे कि 15 मई से शुरू हो गई है, अब इधर सूचना के लिए यहाँ पर हमने यहाँ आवेदन की तिथि पहले से अपडेट कर दी है, 15 जून तक इसका लास्ट आवेदन चलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर गुजरात उच्च न्यायालय की भर्ती यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण तिथियाँ, आयोजन खजूर के द्वारा यहाँ पर अधिसूचना जारी की तिथि यहाँ पर 22 मई, आवेदन प्रारंभ 22 मई 2024 को हो चुका है। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बारे में आपको बता दें, जो कि रखा गया है 15 जून तक। उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आवेदन शुल्क तो भुगतान करने की अंतिम तिथि जहाँ पर अंतिम तिथि 15 जून तक है, तब यहाँ पर 15 जून तक आवेदन शुल्क का भी भुगतान यहाँ पर रखा गया है। आवेदन के सुधार यहाँ पर 17 से आपको 19 जून तक यहाँ पर आवेदन के सुधार कर सकते हैं। परीक्षा तिथि अभी यहाँ नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय भर्ती के लिए आवेदन पत्र 2024, तो यहाँ पर गुजरात उच्च न्यायालय भर्ती के लिए
अहमदाबाद में इन पदों के लिए चयनित होने हुए इस अवसर पर लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को पहले पंजीयन कराना होगा और यहां पर फिर आवेदन पत्र भरना होगा जिसमें आपको नाम, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, योग्यता अपलोडिंग जैसे यहां पर महत्वपूर्ण विवरण जो कि यहां पर शामिल करना होगा, दस्तावेज और आवेदन शुल्क यहाँ पर भी आपको इसमें भुगतान करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं भर्ती अभियान के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA, आपको बता दें भर्ती के लिए यहाँ पर एजेंसी NTA परीक्षा आयोजित करने वाली है, प्राधिकारी है और उम्मीदवार को NTA की आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर gujarathighcourt.in यहाँ पर देख सकते हैं, इन पर आपको जाना है, आवेदन पत्र जमा करना होगा। NTA के आवेदन पत्र के बाद आपको चरणों का प्रबंधन करेगा, अभी आवेदन के लिए नीचे आपको लिंक भी प्रोवाइड करेंगे, आप डिसीजन में चेक करना, वहाँ से आपको प्रोवाइड मिल जाएगा। तो यहाँ पर गुजरात उच्च न्यायालय रिक्त पदों के लिए आपको चरण, आपको चरण के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर आपको अगर डिसीजन में नहीं मिले तो आप देख सकते हैं यहीं से आपको आपको गूगल में सर्च कर लेना है। आप NTA के अधिकारी वेबसाइट देख सकते हैं एग्ज़ाम से यहाँ पर .NTA.ac पर आपको गुजरात उच्च न्यायालय के स्टोनोग्राफ से यहाँ पर कोर्ट मैनेजर, कोर्ट असिस्टेंट, ड्राइवर, DASO, प्रोफेसर, सर्वेस यहाँ पर आदि कई प्रकार के यहाँ पर आवेदन के नीचे आपको सरल माध्यम से यहाँ पर आप इसमें आवेदन कर सकोगे। उसके बाद वीडियो में बढ़ते हैं, पहला चरण तो बता दिया आप, दूसरा सॉरी यहाँ पर पहला चरण है पर गुजरात उच्च न्यायालय के अधिकारी वेबसाइट देख सकते हैं गुजरात यहाँ पर देख सकते हैं highcourt.in इस पर आपको जाना होगा यहाँ पर OJAS की तरफ से। उसके बाद आपको दूसरा चरण वर्तमान नौकरी पर जाएं, उसके बाद आपको जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसको आपको अभी आवेदन करें पर अप्लाई करें और बटन पर आपको करके करने क्लिक करना है। तीसरा चरण में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर NTA वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, वह आपको यहाँ पर नाम, फ़ोन नंबर, साथ ही आपको ईमेल आईडी, आपको पता इत्यादि आपको सभी यहाँ पर आवश्यक विवरण प्रदान करने से यहाँ पर पहले पंजीयन आपको करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, चरण चौथा में आप खाते के लिए आपको बताते हैं एक व्यक्तिगत पासपोर्ट सेट करें। खाते के लिए आपको एक व्यक्तिगत पासपोर्ट सेट करना है और इसे पर्याप्त मजबूत बनाए, इसे कहीं आपको नोट करके रख लेना होगा। पांचवा चरण पंजीयन करने होने के बाद आपको पंजीकृत फ़ोन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और द्वितीय यहाँ पर पंजीकरण आईडी, पासपोर्ट आपको भेजा जाएगा आपके मोबाइल या पर ईमेल आईडी में। अब आवेदन पत्र पर आगे बढ़े और यहाँ पर ऐसे दस्तावेज अपलोड करें जो ऐसा करने में के लिए अनिवार्य, जो भी दस्तावेज आपको मांगा गया उसको यहाँ पर भरने के बाद सिंपल से आपको आवेदन शुल्क जो कि आप कैटेगरी से होगा उसको आपको यहाँ पर आवेदन शुल्क यहाँ पर भर लेना होगा। उसके बाद आपको प्रिंट निकालना होगा जैसे कि यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय के लिए आवेदन शुल्क यहाँ पर किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ पर कुछ भी। पोस्ट का नाम यहाँ पर दे सकते हैं अंग्रेजी असुलिपिड ग्रेड थ्रू के दर 1500 रुपये।